बीजेपी 2 साल के कार्यकाल को लेकर जश्न मनाने जा रही है, वहीं इस जश्न को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस जश्न को कुशासन करार दिया है और 2 साल में कोई भी काम न किए जाने की बात कही है, जिसको लेकर अब बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी 2 साल के कार्यकाल को लेकर जश्न मनाने जा रही है, वहीं इस जश्न को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस जश्न को कुशासन करार दिया है और 2 साल में कोई भी काम न किए जाने की बात कही है, जिसको लेकर अब बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो अपने 2 साल के कार्यकाल को जश्न में मनाएगी, लेकिन सत्ती ने कहा कि मातम वे लोग मनाएं जिनकी हिमाचल प्रदेश में चुनावों में जमानत तक जब्त हुई है, मातम वे लोग मनाएं जिनके चारों एमपी 4-4 लाख के मार्जिन से हारे हैं। हम लोगों के बीच 2 साल की उपलब्धियां लेकर जा रहे हैं। सत्ती ने कांग्रेस से पूछा है कि वे बताएं कि कांग्रेस बार बार चुनाव क्यों हार रही है, जबकि धर्मशाला जैसी सीट से भी उनकी जमानत तक जब्त हो गई है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर को अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई बयान देकर चर्चा में बने रहने की बात कही। वहीं सत्ती ने बीजेपी के अपने 2 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदेश को देने और आगे भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदेश के जनता को देने की बात कही है। जो बेचारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कुलदीप राठौर जी, वो रोज किसी न किसी तरह अखबारों के माध्यम से नजरों में बंद के रहना चाहते हैं। मातम वो मनाए जिनकी जमानत जब्त हुई है धर्मशाला में, मातम वो मनाए जिनके चारों एमपी 4-4 लाख वोटों से हिमाचल प्रदेश में हारे। हम तो पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी गवर्नमेंट चला रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक बढ़िया गवर्नमेंट चल रही है। 2 वर्ष उसके पूरे हो रहे हैं, हम उपलब्धियां लेकर के जनता के बीच जाएंगे। कोई जश्न हम बिना काम किए नहीं मना रहे हैं, और अगर उनको विश्वास नहीं होता काम का तो उनसे मेरा एक ही प्रश्न है कि वो बार बार कांग्रेस चुनाव क्यों हारती है। उनको धर्मशाला जैसी प्रतिष्ठित सीट के ऊपर जमानत जब्त करवानी पड़ी कांग्रेस को, उनकी जमानत जब्त हो गई। तो इसलिए जहां तक वो कुशासन की बात करते हैं तो कुशासन तो कांग्रेस के समय पर था, कुलदीप जी उस समय राजनीति में थे नहीं, वीरभद्र जी इनको मानते नहीं थे, इसलिए जो बेचारे प्रैक्टिस करते थे उस समय वकालत करते थे। बड़े पुराने लीडर हैं जेएनएसयूआई के, हमारे टाइम से पहले के हैं यूनिवर्सिटी में। फिर समय बदला, उसके नाते जो अध्यक्ष बने हैं, तो अब प्रतिदिन कोई ना कोई प्रतिक्रिया दे करके जो हंसी के पात्र भी बनते हैं। कांग्रेस का जो मजाक हिमाचल में उड़ रहा है उसके कारण जो परेशान है, और प्रतिदिन बयान दे करके कुछ ना कुछ मामलों को उलझाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। जो हमने किया है वो हम लोग कह रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने किया, जो नहीं किया है उसको हम लोग आगे करेंगे, उसको काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग एक अच्छा 2 वर्ष की जो गवर्नमेंट है भ्रष्टाचार मुक्त विकास, वो हम लोग पिछले 2 साल से दे रहे हैं और आगे भी भ्रष्टाचार मुक्त विकास और हर आदमी का साथ, इस नारे को लेकर के हम सब लोग चले हुए हैं और हिमाचल में 2022 में फिर से गवर्नमेंट बनाएंगे। सरपाल जी, एक पत्र मंगाया जिसके में जो है वो बीर सत्ती ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री के वायरल पत्र पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने इस पत्र पर जांच की बात पूरी होने और रिपोर्ट मांगने की बात कही और इसमें कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पर गाज गिराने की बात कही। इसमें 2 तरह की बातें हैं, एक तो उस पत्र का खुलासा लगभग 1.5-2 महीने पहले मीडिया के माध्यम से हुआ था, सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने उस समय इसको प्रदेश की एजेंसी को सौंपा था कि इसकी वास्तविकता और तथ्यों पर जाकर के इसकी जांच की जाए, और एजेंसी ने जो मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मुझे जानकारी मिली है कि उसमें रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी हैं। तो इसमें प्रदेश संगठन की ओर से मैंने सारी रिपोर्ट सरकार के मांगी है। उस रिपोर्ट के माध्यम से जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरोध में संगठन काम करेगा, कार्रवाई करेगा, और सरकार ने क्या करना है इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे, प्रदेश ने क्या करना है। रविंदर रवि का कहना है कि सरकार जो है वो बात का बतंगड़ बना रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने जो जांच हुई है पूरी उस पर भी सवाल उठा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय से एक आदत पड़ी है कुछ लोगों को, जब शांता कुमार जी होते थे तो उनके विरोध में बहुत लोग षड्यंत्र रचते थे, ये आदत बहुत पुरानी है बहुत लोगों की,
उस समय कोई और लोग थे। जब धूमल साहब चीफ मिनिस्टर रहे तो उस समय कुछ लोगों ने हो हल्ला मचा के दो बार उस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। समय समय पर सही होते होते रहे, परिस्थितियां बदलती रही। आज भी वो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, उसमें से जिन्होंने उस समय विरोध किए। कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और कई बार समाज के अंदर आदमी को गलतफहमियां भी हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अब जयराम जी की गवर्नमेंट है तो कुछ लोगों को गलतफहमियां अच्छा नहीं लग रहा है, गवर्नमेंट ठीक चल रही है। तो उस गवर्नमेंट के बारे में षड्यंत्रकारी चीजें कैसे की जाए, वो कोई भी कार्यकर्ता कोई भी नेता उसमें करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। इसके ऊपर हम लोग आर और पार के काम में लगे हैं। जो गलत होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो बेचारा जेन्युइन होगा, वो छोटा होगा बड़ा होगा, उसको कोई छेड़ेगा नहीं, क्योंकि जिसने गलती की है वो भुगते। वरना प्रतिदिन अखबारों में सोशल मीडिया में खुद न्यूज लगाते हैं, न्यूज लीक करके बात करवाते हैं, लोगों को फोन करके न्यूज लगवाते हैं। ये धंधा अब ज्यादा समय चलेगा नहीं, इसमें पार्टी को। बेही सत्ती ने 24 तारीख को मुख्यमंत्री के ऊना दौरे को लेकर करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास की जानकारी भी मीडिया को दी। वहीं इस मौके पर सत्ती ने ऊना में बने नए बस अड्डे को लेकर भी राजनीति शुरू कर दी है और बस अड्डे के निर्माण को लटकाने के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सत्ती की माने पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में बिना बजट इसका शिलान्यास कर दिया, जबकि पैसा तक भी इसको मुहैया तक नहीं करवाया, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही इसका शिलान्यास करवाया और इसकी डीपीआर तैयार करवाई और अब ये 30 करोड़ रुपए की राशि से बनकर तैयार हो चुका है, जिसका जल्द उद्घाटन मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। सत्ती ने इसको लेकर विपक्ष के नेता को भी निमंत्रण देने की बात कही है। 24 और 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी ऊना विधानसभा क्षेत्र, कुटलाहड़ और हरोली विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग विभागों के अलग अलग योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। ऊना विधानसभा क्षेत्र में उस दिन 128 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास है और इसी तरह से कुटलाहड़ विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए का एक शिलान्यास है पेयजल योजना का और हरोली विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 50 करोड़ से ज्यादा के शिलान्यास उद्घाटन है।